हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। एसबीआईक्यू मेंस के सीजन 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से वही 35 क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सीजन 2 में जो कि हमारा पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप पे बेस्ड पीआई है, तो बिना देरी के हम लोग सवालों की ओर चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो चलो बिना देरी के हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोल रहे हैं हम लोगों का, पहला सवाल में तुम्हारा एक डेटा दिए हुए है अमाउंट इन्वेस्टेड का, ठीक है, डीआई हम लोगों का पार्टनरशिप पे। अब उसमें देखो कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ डेटा वेरिएबल के टर्म में तुम्हें दिए हुए, ठीक है। कुछ कम्प्लीटली मिसिंग है, कुछ वेरिएबल के टर्म में दिए हुए, मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स नंबर। जैसे तुम देख सकते हो 2014 में सी का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो पी प्लस में कितना है, 4000, ठीक है। फिर तुम्हारा उसी तरीके से टाइम का जो दिए हुए है रेशियो, टाइम का रेशियो भी सबका फिक्स नहीं है, कुछ का कुछ गैप है, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता है कि इसमें हम लोग सबको सॉल्व करें, पहले सवाल पे डायरेक्ट आएंगे। सवाल क्या बोल रहा है, एक कॉमन सा चीज सब लोगों को पता ही होना चाहिए कि इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है, इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। जितना अमाउंट जितने समय के लिए इन्वेस्ट करा गया उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकाल के देगा, प्रॉफिट का रेशियो निकाल के देगा, ठीक है। तो चलो पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखो सवाल में जरूरी नहीं है कि जो भी सवाल है हम लोग का सबको लिख के सॉल्व करना जरूरी है, कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की भी होती है, तो वो ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, फॉर हाउ मेनी मंथ डिड सी इन्वेस्ट हिज मनी, ठीक है, सी ने कितने महीनों के लिए अपना पैसा को लगाया। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एज इन्वेस्टमेंट इन 2017 इज 6000 मोर देन बी इन सेम ईयर। 2017 में अगर तुम देखोगे तो ए में तुम्हारा 24000 है, बी में ब्लैंक है और सी में 21000 है। पहला स्टेटमेंट से तुम्हें क्या मिला कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी से 6000 है, मतलब बी का जो होगा वो क्या होगा, ए से 6000 कम होगा। यानी तुम्हें यहां से मालूम हो गया ए का इन्वेस्टमेंट जो है वो है 24000, बी का इन्वेस्टमेंट जो है 6000 कम यानी कि 18000, और सी का इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है तुम्हारा 21000, ठीक है। फिर यहां से देखो तुम्हें टाइम का भी कुछ कुछ चर्चा किए हुए है, टाइम जो है मंथ्स में दिए हुए है, इसका 9 मंथ, ठीक है, इसका तुम्हारा 12 और इसका नहीं मालूम वाई, ठीक है। हमसे यही सवाल में बोला फॉर हाउ मेनी मंथ डिड सी इन्वेस्ट, ये वाई की वैल्यू निकालनी है। तो स्टेटमेंट वाइज जब भी सवाल आए तो सवाल को सॉल्व नहीं करना होता, ऑब्जर्व करके आंसर निकाल लेना होता है। पहला से हमारा कुछ नहीं आएगा, पहला से सिर्फ हमारा ये 18000 निकला, वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। अब यहां से देखो क्या है तुम्हारा सवाल है, जब आगे तुम भरोगे, आगे जब तुम भरोगे तो तुम्हें दिए हुए है सी का प्रॉफिट जो है 2017 में वो है 17500, ठीक है। सी का जो सारा चर्चा जो कर रहा है वो 2017 का कर रहा है, ठीक है। अब ईयर भी जो पूछा है 2017 में पूछा है, सी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिए हुआ है तुम्हारा कितना, 17500 दिए हुआ है। और ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट जो है वो टोटल प्रॉफिट कितना दिए हुआ है, तुम्हारा टोटल प्रॉफिट दिए हुआ है 575, ठीक है। अब देखो तुम्हें सी का जो प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तीनों का रेशियो चाहिए। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो नंबर में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो कुछ रेशियो में आएगा, ठीक है। लेट्स से कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आया और इसको मल्टीप्लाई करने पे ए आया, ठीक है, या वाई आया, ठीक है। सपोज दैट मान लो वाई, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं कि यहां पर तुम्हें करना क्या है, ठीक है। नेट आंसर से हमें कोई मतलब नहीं। जब तुम सी का प्रॉफिट निकालोगे तो उसके लिए तुम क्या लिखोगे, वाई अपॉन में तीनों का सम 1 + 2 + y गुने में टोटल प्रॉफिट जो कि कितना है हमारा 57500 बराबर में क्या लिखोगे 1750, ठीक है। अब तुम इसे सॉल्व करोगे तो देखो तुम्हारा y का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। तुमने y का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या यूज किया, सेकंड स्टेटमेंट का यूज किया, फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज किया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट मिलाकर तुमने यूज किया। तुम्हें y वैल्यू निकालनी थी, y निकल गई हमारी, दोनों स्टेटमेंट यूज कर, सवाल को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रहने देंगे हम लोग, कौन सा हो रहेगा, बोथ स्टेटमेंट टेकन टुगेदर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या होगा, नेक्स्ट देखो क्या है, बोल रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ सी इन 2016, ठीक है। 2016 में सी का प्रॉफिट क्या था ये निकालना, 2016 का बात किया, 2016 में देखो तो तीनों का अमाउंट दिए हुए है लेकिन टाइम जो है तीनों में से किसी का नहीं मालूम है, ना ही टोटल प्रॉफिट मालूम है, ठीक है। तो अब यहां से देखो तुम्हारा क्या है, ए का प्रॉफिट जो है वो है 10500, ठीक है। तो तुम यहां से इन्वेस्टमेंट लिख दो, 21000 है, 24000 है और क्या है तुम्हारा यहां पे 20, ठीक है,
ये x, ये y और ये x plus 4, ये डेटा हमें मालूम हो गए। और a का जो प्रॉफिट है वो a का प्रॉफिट तुम्हें दिए हुए है, a का प्रॉफिट कितना दिए हुआ है तुम्हारा 10,500, ठीक है। a जब निकल गया तुम्हारा तो अब देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ इन 2016 b कैपिटल वाज इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ एंड हिज प्रॉफिट वाज 13,500, b का कैपिटल जो है 9 महीने के लिए, मतलब ये y का मान दे दिया कितना 9 दे दिया, और b का जो प्रॉफिट है वो भी दे दिया हमारे सवाल, ठीक है। b का प्रॉफिट कितना दे दिया तुम्हारा 13,500, ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हारा क्या होगा, एक जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक रेशियो तुम्हारा एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा, लेट्स से ax, ठीक है, जो a जो है हमारा यहाँ पे लिख दो तुम यहाँ पे 30 30 30 काटते हैं, ठीक है, ये आएगा 21x, फिर यहाँ पे आएगा 24 into 9, ठीक है, यहाँ पे आएगा 20 into x प्लस में कितना 4 आता है, ठीक है। b का प्रॉफिट टेबल तुम्हें टोटल प्रॉफिट नहीं मालूम, तो सवाल में बोला क्या था c का प्रॉफिट निकालने के लिए, मतलब टोटल प्रॉफिट भी पता चल जाए तब भी हम c बता सकते हैं, या डायरेक्ट अगर सी का निकल जाए तब भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो क्या करोगे, तुम थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो ए के प्रॉफिट के लिए तुम क्या लिखोगे 21x बटे में 24 into 9, 21x प्लस में, प्लस में क्या 20 into x plus 4, और बराबर में ए का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हम लोग जेड मान लेते हैं गुने में, और बराबर में क्या लिखोगे 10,500, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ गया, x और y से रिलेटेड आ गया, x से रिलेटेड आ गया, ठीक है, x और z का एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन फिर तुम देखोगे b के प्रॉफिट के लिए तुम क्या लिखोगे 24 into 9 बटे में 21x प्लस में 24 into 9 प्लस में 20x plus 4, ठीक है, इंटू में z कर दोगे और यही तुम्हारा बराबर में कितना हो जाएगा 13,500, ठीक है, हो गया हमारा सवाल सॉल्व। अब तुम यहां से जब इसको सॉल्व करने के लिए निकलोगे तो तुम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, टोटल बैलेंस करके टोटल प्रॉफिट बैलेंस कर दोगे तो तुम्हारा एक्स और जेड का दो ही वेरिएबल है ना, अब दो इक्वेशन निकल के आ गया तुम्हारा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, तुम आसानी से जानते हो कि दो इक्वेशन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारा दो इक्वेशन का जरूरी होता है, वो भी तब जब हमारा वो सॉल्व होने लायक होता। अब तुम देखो अगर दोनों को तुम डिवाइड भी कर दोगे तुम इजिली निकाल सकते हो, नीचे वाला ये और ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जेड और जेड खत्म हो गया, एक एक्स यहाँ बचा, यहाँ पे नंबर के रूप में, यहाँ भी नंबर के रूप में, यहाँ भी नंबर के रूप में, एक्स निकल जाएगा यहाँ से, एक्स जब निकल जाएगा तो तुम जेड निकाल सकते हो, जेड निकल गया यानी टोटल प्रॉफिट निकल गया, ए बी में माइनस कर देंगे सी निकल जाएगा, तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन तुम्हें करनी होगी और इस तरीके से तुम सवाल को क्या है आंसर दे सकते हो, इजिली आंसर दे सकते हो कि तुम्हें कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ नहीं करना था, आंसर बताना था किससे किससे आएगा, तो हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट का यूज किया, दोनों स्टेटमेंट के मदद से हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल इसी पे क्या होगा, थर्ड में देखो क्या है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन 2015 में टोटल प्रॉफिट बताना है, इफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी टुगेदर इन 2015 इज 13,700, ए और सी को मिला के जो मिला वो मिल रहा है 13,750, ठीक है, ए और सी का अंतर जो है वो भी 1250, ठीक है, कितना है 1250। अब इन दोनों में क्या ही अंतर है, या तो प्लस में बोलो या माइनस में बोलो, यहां से तुम ए और सी का ज्यादा ज्यादा क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें टोटल प्रॉफिट की चर्चा की हुई है, अब देखो यहाँ पे तुम क्या करते हो सवाल में, 2015 की बात कर रही है, 2015 में देखो क्या है, आर इन्वेस्ट किया ए 10 महीनों के लिए, बी इन्वेस्ट करा 18,000 8 महीनों के लिए, सी इन्वेस्ट किया आर 12 महीनों के लिए, ठीक है। अब तुम यहां पे और ध्यान दो कि तुम्हें यहां पे टोटल प्रॉफिट की भी चर्चा नहीं है, तो तुम जब ए के लिए लिखो किसी एक इंडिविजुअल के लिए लिखा, ठीक है, किसी भी, यहां से तुम क्या कर सकते हो, ए सी का निकाल सकते हो सम, और ए सी के माइनस से ए का अलग प्रॉफिट सी का अलग प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से जब तुम आओगे तो यहां से तुम क्या करोगे, ए का ही निकालना होगा, आर गुने 10 बटे में इन टोटल का सम, लेट से टोटल का सम क्या है हमारा के, ठीक है, या फिर ऐसे ही रखने दो इसको भी, 10R प्लस में 18,000 गुने में 8 प्लस में ए छोड़ो, ठीक है, प्लस में 12R और गुने में क्या कर दोगे, टोटल प्रॉफिट जेड मान लोगे, और इस तरीके से ए का जो प्रॉफिट आएगा वो तुम ए का प्रॉफिट लिख दोगे यहाँ पे, जो कि तुम्हें नोन है, ठीक है, ए का प्रॉफिट निकल गया। फिर नीचे तुम जब आओगे तो नीचे तुम्हारा तुम क्या करोगे, सी का प्रॉफिट करोगे, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन जब तुम करोगे तो वो दोनों ही इक्वेशन क्या है तुम्हारा सेम आएगा। अब इस इक्वेशन में तुम यहाँ पे ये भी कर सकते हो,
कि आर और दस है यहाँ पे, तुम ए प्लस सी निकालो, ए प्लस सी जब तुम निकालोगे तो दस आर और बारह आर कितना हो जाएगा, तुम्हारा बाईस आर हो जाएगा, ठीक है, और बाईस आर जब हो जाएगा तो टोटल दोनों का सम कितना है 13,750। एक इक्वेशन यहाँ ये बना। दूसरा तुम डिफरेंस निकाल दो, आर और आर का यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो टू आर होगा, टू आर बटे में जब तुम करोगे टेन आर प्लस में 18,000 गुने आठ प्लस में 12 आर गुने जेड बराबर में ये तुम्हें क्या मिल जाएगा 1,250, ठीक है। अब तुम यहां से क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड भी करोगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये जेड से ये जेड खत्म, और तुम जब काटोगे तो दो से यहाँ पे काटो तो 11 बार में इसे, और 11 से जब इसे काटोगे तो ये तुम्हें 1,250 देगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आर अपॉन आर, आर बटे आर इज इक्वल टू 1,250 बटे में 1,250, तो कुछ तो मिला नहीं हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी, अब देखो इस सवाल में क्या हम लोग को यहाँ सीखने मिला, जब भी कोई दो सिमिलर चीज दिए हुए रहे और दो चीज अननोन है, कौन कौन सी चीज अननोन है हमारी, बी की प्रॉफिट भी अननोन है, टोटल प्रॉफिट अननोन है, या तो a प्लस सी बोले या a माइनस सी बोले, दोनों का इक्वेशन तो एक ही बन रहा है ना हमारा, यहाँ पे भी आर जेड का है, यहाँ पे भी आर जेड का है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो इस टाइप के सवाल में हम लोग आंसर जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल क्या होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, देखो चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बी इज इन्वेस्टमेंट इन 2018 इज 20% ग्रेटर देन ए इन द सेम ईयर, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है हमारा 25,000 करोड़, ठीक है, ए का जब 25,000 है तो बी का 20% अधिक बोला है सवाल में, कितने परसेंट अधिक बोला है 20%, 20% के फैक्टर वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, 1/5 जब 25,000 का निकालोगे तो कितना देगा 5,000, 5,000 ज्यादा है, 25,000 में 5,000 ऐड कर दो कितना हो जाएगा तुम्हारा 30,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर सी का कितना दे रखा है, सी का भी देखो दे रखा है तुम्हें कितना 25,000 दे रखा है, ठीक है। अब यहां से तुम देखो समय का दे रखा है, टाइम का दे रखा है ये जेड, इसका भी दे रखा है जेड, और इसका भी दे रखा है 12, ठीक है। 5,000 से काटो इसे 5 बार में, इसे 6 बार में, इसे 5 बार में, ठीक है। रेशियो जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 60:6 अब देखो यहां से ना तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द प्रॉफिट ऑफ बी इज 21,000 देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी इन 2018, बी का प्रॉफिट 21,000 है, सी का निकालना है, ये रेशियो जो है किसका रेशियो है प्रॉफिट का, देखो यहाँ पे जेड और जेड का ही फंक्शन है तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि 6Z को रिलेट कर दो, तुम किस Z को रिलेट कर दोगे, उसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 21,000, ठीक है। यहां से तुम क्या करो, सिर्फ जेड का वैल्यू निकाल दो या 5Z का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, 5Z की वैल्यू निकालोगे तो 5Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21,000 बटे में कितना 6Z गुने में कितना हो जाएगा हमारा 5Z हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से तुम्हें निकालने के लिए क्या हुआ, तो वही सी का वैल्यू निकालना है, तुम्हें सॉल्व कर दो 6Z 5Z, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा Z खत्म हो जाएगा, कट छट हो गए यहाँ पे, काटने छटेंगे तुम्हारा 17,500 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है 5Z का वैल्यू कितना है 17,500, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो 17,500 है, उन्हें यह सवाल पढ़ना है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैज सीन अ फॉल इन द लास्ट डिकेड, रियल इंडस्ट्री में जो है फॉल हुआ था, लग्जरी प्रॉपर्टीज हैव डेप्रिसिएटेड मच मोर देन रेगुलर प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी है, एक है हमारा लग्जरी प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरा है हमारा रेगुलर प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, रेगुलर प्रॉपर्टी जो है वो मुंबई में हैव डेप्रिसिएटेड, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है कि लग्जरी प्रॉपर्टी का जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन मच मोर देन रेगुलर प्रॉपर्टी, रेगुलर प्रॉपर्टी से ज्यादा इसका हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टी इन मुंबई एंड दिल्ली हैज बीन, मुंबई हो या दिल्ली में हो ये जो है इज 3 times द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ लग्जरी प्रॉपर्टीज इज 3 times ऑफ व्हाट चेन्नई एंड बेंगलुरु, चेन्नई और बेंगलुरु का क्या है 3 times, ठीक है। ये हमारा लग्जरी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम हो गया। रेगुलर प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, हैव सीन लेस डिस्पैरिटी इन डेप्रिसिएशन रेट, कुछ कमी है उसमें डेप्रिसिएशन में, क्या कमी है भाई, तो वहां पे दे रखा है सवाल में कि लग्जरी प्रॉपर्टी में, रेगुलर प्रॉपर्टी में, कि रेगुलर प्रॉपर्टी मुंबई हैव डेप्रिसिएटेड, मुंबई में जो डेप्रिसिएशन हुआ था, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना 1.25 times देन दैट ऑफ दिल्ली काउंटर पार्ट, 1.25 times है किसका, दिल्ली का, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, रेगुलर प्रॉपर्टीज इन दिल्ली, दिल्ली में जो रेगुलर प्रॉपर्टीज है
have depreciated at 1.5 times of similar size, 1.5 times of similar size in Chennai and Hyderabad. ठीक है, चेन्नई और हैदराबाद. ठीक है, अब ये तो हमारा मेन डेटा हो गया जो कैसलेट के स्टेटमेंट से हम लोग को मिला. सवाल क्या है, पहला सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लग्जरी स्टेट लोकेटेड इन चेन्नई 2017. ठीक है, लग्जरी स्टेट में, लग्जरी स्टेट नाम हमारा इसमें. ठीक है, लग्जरी स्टेट में चेन्नई में 2017 का तुम्हें क्या बताना है कि प्राइस क्या था, ये बताना है. ठीक है, तो 2017 पे कैसे आएंगे. The rate of depreciation of similar estate in Mumbai is 45% from 2015 to 2018. मुंबई में जो है वो 45% है. हमको चेन्नई पे आना है, चेन्नई पे आने के लिए 300 काटेंगे, 300 कट जाएगा 15 बार में, यानी चेन्नई का कितना निकल के आ जाएगा, 15% निकल जाएगा. ठीक है, जब चेन्नई तुम्हारा 15% निकल के आ गया तो तुम सवाल में थोड़ा सा ध्यान दो कि आगे क्या तुमसे पूछ रहा है. और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, द स्टेट चेन्नई वाज बाउट एट वैल्यू ऑफ 1000000 2015, यानी कि 10 लाख पे जो है वो क्या हुआ था कि ये 2015 का प्राइस था. ठीक है, हमसे पूछा था सवाल में ये था चेन्नई का. ठीक है, हमसे पूछा है सवाल में 2017 का. अब गिरेगा किस रेट से, 15% के रेट से, दो साल गिरेगा, गिरा दो 1-15/100 दो सालों तक, और इसी के साथ तुम यहां से वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो. इसलिए तुम्हारा आंसर क्या हो गया, दोनों के मिला के, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अगला सवाल देखो हम लोग का क्या बोल रहा है. ये डेटा हम लोगों का कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे. अब आगे देखो क्या दे रखा है हम लोग का नेक्स्ट सवाल में. मिस्टर केलकर बाउट ए लग्जरी स्टेट इन बेंगलुरु, लग्जरी स्टेट बेंगलुरु में करते हैं और एक मुंबई में एट सेम प्राइस. मतलब प्राइस जो है हमारा, चाहे वो बेंगलुरु का हो चाहे वो मुंबई का, ठीक है, वो क्या है हमारा, बराबर है. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आगे सवाल में हम लोगों को, इफ आफ्टर 2 years ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12% डेप्रिसिएटेड प्राइस ऑफ अपार्टमेंट ऑफ बेंगलुरु इज कितना, 8 लाख. 8 लाख दिए हुए है बेंगलुरु का डेप्रिसिएटेड प्राइस, किस रेट पे, 12% के रेट पे. मतलब स्टार्टिंग उसका अगर एक्स होगा तो 100-12/100 होगा. ठीक है, इसी रेट पे अभी जो डेप्रिसिएशन दिए हुआ है तुम्हारा, ये जो डेप्रिसिएशन दिए हुआ है वो 2 साल का दिए हुआ है, 2 साल डेप्रिसिएट करने के बाद ये हो गया हमारा. यानी एक्स की वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लाख गुने में 100 बाई में 88, फिर गुने में 100 बाई में 88. ठीक है, ये हमारा जो हो गया, ये वैल्यू हो गया 2 साल पहले. ठीक है, अब सवाल में देखो आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द स्टेट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टेट मुंबई आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद मुंबई का बताना है. अब देखो प्राइस जो बोला था बेंगलुरु और मुंबई का 2 साल पहले वो जो था वो क्या था, सेम था हमारा. 2 साल पहले जब सेम था हमको 2 साल के बाद का बताना है. बेंगलुरु का प्राइस हमारा कितना है, 12% है. जब बेंगलुरु 12% होगा तो मुंबई कितना निकल के आएगा, 12 × 3 यानी कितना, 36% निकल के आएगा. अब इसी प्राइस पे हम लोग को 36% का थोड़ा सा क्या करना है, गिरावट लाना है. जब हम लोग गिरावट लाएंगे तो 36% का गिरावट लाएंगे, बचेगा कितना, 64%. 2 साल गिरावट आना है, 64 बाई में क्या कर दो, 100 कर दो. यहां से 100 100 100 100 तो इजिली खत्म हो जाएगा. थोड़ा सा सॉल्व करने में से मेहनत होगा, थोड़ा ही मेहनत है तो काट लेना है इसको. काटने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 423140 रुपीज, और यही हमारा आंसर है कि मुंबई का जो 2 साल के बाद आने वाला है वो क्या है हमारा, इस तरीके से. ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है. नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, What must have been the value of regular 3-bedroom apartment in 2016 in Chennai? Regular 3-bedroom apartment का हमको price बताना है चेन्नई में. The rate of depreciation, regular का बताना है. ठीक है, the rate of depreciation जो है वो कितना है दिल्ली का, वो है 12%. तो दिल्ली का जब 12% है हमारा, तो 1.5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चेन्नई का निकल जाएगा. तो 12/1 में 1.5 कर देंगे, पॉइंट से यहाँ पे 0 चला जाएगा, 15 से 8 बार में चेन्नई का कितना निकल के आ गया, 8% निकल के आ गया. अब आगे देखो सवाल में आगे क्या बोल रहा है, द रेगुलर द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ दिल्ली में 12% पहला स्टेटमेंट हो गया. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दिस रेगुलर अपार्टमेंट इन चेन्नई इज वैल्यूड एट रुपीज 8 लाख इन 2018. ठीक है, 2016 का ये डिप्रिसिएशन हमें दिए हुए, ठीक है, 2016 का डिप्रिसिएशन दिए हुए हम लोगों को, हमको 2018 में 2016 का डिप्रिसिएशन दिए हुए, 2018 का प्राइस दिए हुए, तो हम लोग 2016 के प्राइस पे आ सकते हैं. 2016 का प्राइस अगर एक्स मान लेते हैं
तो 100 माइनस 8 बटे में 100 के रेट से 2 साल तक डेप्रिसिएट किया होगा, तो ये कितना निकल के देगा हम लोगों को, 8 लाख निकल के देगा, ठीक है, 8 लाख निकल के देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से x के वैल्यू डिटरमाइन कर सकते। तो वो इस स्टेटमेंट में क्या नो है, स्टेटमेंट वाइज सवाल में जरूरी नहीं होता है कि हम लोगों को सवाल को सॉल्व करके बताना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि सवाल हमारा सॉल्व हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है दोनों स्टेटमेंट मिला के, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट टेकन टुगेदर, ठीक है। चलो अगला देखो, 8 नंबर सवाल में, 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 में देखो क्या बोल रहा है, 8 में बोल रहा है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रेगुलर प्रॉपर्टी इन हैदराबाद इज 10%। हैदराबाद का जो रेगुलर प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन है वो 10% है हमारा, ठीक है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन अपार्टमेंट इन मुंबई आफ्टर 2 साल, 2 साल के बाद बताना है, इफ द अपार्टमेंट वाज बाउट एट अ वैल्यू ऑफ 6 लाख, अपार्टमेंट जो बाउट करा गया था वो कितना पे बाउट करा गया था, 6 लाख पे बाउट करा गया था, 2016 में बाउट करा गया था, 2 साल के बाद डिप्रिसिएटेड अमाउंट निकालना है। अब यहां से तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जब 10% है तो दिल्ली कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा, दिल्ली निकल के आ जाएगा 15%। अब दिल्ली से तुमको मुंबई पे आना है तो मुंबई के लिए तुम क्या करोगे, 15 × 1.25 करोगे, जो कि तुम्हें क्या देगा 18.75%, ठीक है, 1.25 कर दो यहाँ पे या 15% कर दो यहाँ पे, ठीक है, परसेंट है, जब कर दिए तो 18 पॉइंट में कितना आ गया मुंबई का 75%। अब तुम या तो 18.75 पे चले जाओ, थोड़ा सा ऑप्शन देखोगे ऑप्शन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है तुम्हें, ठीक है, तो इसमें केस में क्या करो तुम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लो, 18% को अप्रोक्स में तुम 20% ले लो, 20% अगर डिप्रिसिएट हो रहा है 1/5 से डिप्रिसिएट होगा तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 4/5 गुने में 4/5 दो बार लगा, ठीक है, 5 × 5 = 25 से जब तुम 100 काट दोगे तो 4 बार में 4 × 4 × 4 और यहाँ पे 4 कर दिए, 4 × 16 = 64, 64 गुने में तुम्हारा क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, 360 और 6 × 24, ठीक है, यानी कि 384000 और 000 तुम्हारा, ठीक है, हमारा कुछ 3 लाख इस तरीके से है। अब तुम थोड़ा सा ऑप्शन में तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि 3, 8, 4, 0 के नजदीक में कौन कौन सा दिख रहा है, एक 375000 दिख रहा है, 4 लाख दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो कि जब तुमने 20% लिया तो 60,000 से 48,000, ठीक है, 3 लाख के आसपास हो गए, 6 लाख से 3 लाख के आसपास हो गए। जब तुम 19% लोगे तो ये 3 लाख से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जब तुम 18% डिक्रीज करोगे तो ये अमाउंट क्या होगा, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब क्या है, अमाउंट बढ़ता चला जाएगा हमारा, 38,000 के नजदीक में एकदम नजदीकी क्लोजेस्ट जो है वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारा, सॉरी 3 लाख के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, 4 लाख का ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा नियरेस्ट में 4 लाख। और इसी तरीके से हम लोग जो है इस सवाल को इजिली बना सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए, ठीक है। तो जिस भी सवाल में कैलकुलेशन की कुछ टेक्निक लग रही होगी तो सवालों में जरूर कैलकुलेशन टेक्निक ना हो, बने रहे हमारे साथ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड, क्या दे रखा है, इन 2008 ईयर ड्यू टू सुनामी एन एनजीओ लेड द रेस्क्यू इफर्ट, एक एनजीओ ने रेस्क्यू इफर्ट लेड किया, बट इट वॉन्टेड द वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड $6 ऑफ द रेस्क्यू पैकेज एंड द रेस्क्यू पैकेज वॉज 22.6 बिलियन। रेस्क्यू पैकेज जो था वो था हमारा 22.6 का, जिसमें वर्ल्ड बैंक को देना था 6, ठीक है, अब कौन देगा हमारा, बाकी जो बोल रहा है द एनजीओ विल प्रोवाइड 11.2 एनजीओ प्रोवाइड कराएगा हमारा, और जो है हमारा रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगा, ठीक है, क्या बोला, वर्ल्ड बैंक वुड लेट 6 बिलियन एंड इंडियन गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड द रेस्ट, तो रेस्ट कितना बचा हम लोग का, देखो 11.6 ये था 17 पॉइंट में टू 17.2 में 22.6 चला जाएगा, यानी कि कितना बचेगा तुम्हारा 17, यानी कि 5 पॉइंट में कितना बच जाएगा 4, जो कि कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये एनजीओ और ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब सवाल में देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सवाल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला कौन सा करेक्ट है इसमें से, पहला दूसरा तीसरा में, द वर्ल्ड बैंक पेड एज मच एज 111.11% ऑफ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट पे ऑफ टोटल रेस्क्यू पैकेज, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट ने जितना नहीं पे किया उसका 111.11% पे किया, थोड़ा सा इसका फ्रैक्शन निकालो, 111.11% को तुम क्या करोगे 100 प्लस में 11.11% लिखोगे, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9, ठीक है,
यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10/9% हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है 10/9 सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब तुम देखो यहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 5.4 पे कर दिए, ठीक है तो इंडियन गवर्नमेंट ने पे कर दिया तो उसका बचा कितना हमारा 17 पॉइंट में कितना बचा था 2, ठीक है 17.2 का जब तुम निकालोगे 10/9, ठीक है तो तुम यहां से थोड़ा सा देख लो कि 17.2 को 18 ले लो, 9 दुना तुम कितना बार में काटोगे 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ठीक है 9 दुना 18 कर देगा 20 आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि 17.2 का जब तुम 10/9 किए तो 20 हुआ, लेकिन वो एक्चुअली में पे कितना कर रहा है 60 जो कि काफी ज्यादा कम है, ठीक है इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। अब तुम थोड़ा सा ऑप्शन में देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट खत्म हो गया, ए और बी खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है और सी भी तुम्हारा खत्म हो गया कि करेक्ट हमसे पूछा था सी में ऑल ऑफ दिस बोल रहा है तो पहला तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास डी है तो थोड़ा तुम डायरेक्ट डी पे आ जाओ और उसके बाद तुम आंसर डिटरमाइन कर सकते हो, अगर डी सही हुआ तो ठीक, नहीं सही हुआ तो हमारा कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा नन ऑफ दिस। डी पे देखो क्या बोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट पेड लेस देन वर्ल्ड बैंक एंड मोर देन द एनजीओ, ठीक है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वर्ल्ड बैंक से जो है कम पे किया, ठीक है वर्ल्ड बैंक से कम पे कर रहा है लेकिन मोर देन एनजीओ, एनजीओ से कहां ज्यादा पे कर रहा है, एनजीओ से तो ये कम पे कर रहा है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो तीसरा भी गलत हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा नन ऑफ दिस, दूसरा वाला स्टेटमेंट चेक करने का क्या ही जरूरत है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ना तुम सवालों का डेटा बचा सकते हो, हर एक सवाल जो स्टेटमेंट वाइज आएगा उसमें डेटा तुम बचा सकते हो, ठीक है समय अपना बचा सकते हो। अगला देखो अगला क्या होगा, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, इफ बोथ द वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट वेयर टू पे इक्वल अमाउंट विथ नो चेंज इन द एनजीओ कंट्रीब्यूशन, एनजीओ का कंट्रीब्यूशन वही का वही रहेगा, इन दोनों को इक्वल पे करना है, टोटल कितना है 6, 5, 11, 11.4 यानी कि हाफ ऑफ जब करेंगे तो ये भी 5.7 हो जाएगा हमारा 5.7 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 5.7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, बोला कि इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, द वर्ल्ड बैंक हैव टू पे 5% लेस देन व्हाट इज एक्चुअली पेड, 5% लेस का मतलब क्या है 6 का जब तुम 5% निकालोगे तो ये तुम्हें कितना निकल के देगा 0.3 और एक्चुअली में यहाँ पे जो है 0.3 की कमी हो रही। पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वो क्या हो गया सही हो गया। अब यहां से देखो पहला स्टेटमेंट वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, हो सकता है हमारा 1 हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी और ई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या हम लोगों का, सेकेंड में क्या बोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू पे 5% मोर देन व्हाट इज एक्चुअली पेड, जितना पेड करता था वो उससे 5% अधिक, तो इससे तो साफ साफ दिख रहा है ये 5% अधिक नहीं होगा। अब नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे निकालो, 0.3 का इंक्रीमेंट हुआ 5.4 पे गुने में 100 कर दिए, 3 से कट गया 18 बार में, 1/18 होता है 5/9%, ठीक है ये 5% नेट तो हुआ नहीं, 5% से कुछ ज्यादा ही हुआ हमारा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा गलत हो गया, मतलब 1 अकेले जाएगा, 1 अकेले का एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, आंसर कर दो वहां पे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि 1 के साथ 3 भी जा सकता है, जिसके लिए नन ऑफ दिस भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तुम थोड़ा सा चेंज कर लो नन ऑफ दिस के थर्ड वाला स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ड्रॉप इन वर्ल्ड बैंक कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड बैंक के कंट्रीब्यूशन में जो परसेंटेज ड्रॉप हुआ था कितने परसेंट का हुआ था, 5% का हुआ था, वो क्या है परसेंटेज राइज जो है इंडियन गवर्नमेंट का उससे क्या है तुम्हारा, विल बी ग्रेटर देन द परसेंटेज राइज इन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का जो परसेंटेज राइज है उससे अधिक होगा, ये 5 से ज्यादा है वैसे ही कमी हो रहा है, ज्यादा तो हो नहीं रहा, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो तुम्हारा कौन सा सही हो रहा है, सिर्फ पहला वाला सही हो रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल हम लोग का चेंज हो रहा है क्या हम लोग का, नेक्स्ट देखो क्या हम लोग का बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ और ब्रेथ जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का वो क्या दे रखा है 18 और 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ ये 18 मीटर है और ये 15 मीटर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ ए डैश मीटर वाइड वॉकवे, ठीक है इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द ग्राउंड, अराउंड द मतलब क्या, इसके बाहर की ओर एक कुछ मीटर चौड़ा, मतलब पहला ब्लैंक जो है उसमें हम लोग बोल देते हैं अगर x मीटर चौड़ा कंस्ट्रक्ट करा गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18 प्लस में 2x हो जाएगी और ब्रेथ कितना हो जाएगा 15 प्लस में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी कितना चौड़ा है x ही चौड़ा है, सब जगह से x चौड़ा है, ठीक है। अराउंड द ग्राउंड है द एरिया ऑफ द वॉकवे, इस वॉकवे का एरिया, वॉकवे का एरिया कैसे निकलेगा 18 प्लस में 2x गुने में 15 प्लस में 2x माइनस में 18 गुने 15, ठीक है। वॉकवे का एरिया हम लोग मान लिए ए, यानी कि सेकंड ब्लैंक जो निकल के आया वो क्या निकल के आया ए मीटर स्क्वायर निकल के, ठीक है।
अब यहाँ से ये डेटा निकल गया। अब तुमने सवाल में देखो क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर द पॉसिबल इन सेम ऑर्डर, इसी सेम ऑर्डर में कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन रख के देखो, पहला ऑप्शन तुम्हारा जवाब है, पहला ऑप्शन वन, और क्या रखना है तुम्हें 70 आना चाहिए। ठीक है, वन रखो, वन जब रखोगे तो टू हो जाएगा 82, कितना हो गया 20, 20 गुने में 15 तो कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस में 18 गुने 15 जब तुम करोगे तो 225 और 45, ठीक है 225 और 45 270 हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि यहाँ पे 270 घटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 17 गुना 34 340 में 270 घट जाएगा, क्या देगा 70 देगा, सेटिस्फाई हो गया, एक रखे तो 70 निकल के आ गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा, 1.5 रखो और यहां से कितना आना चाहिए 108 आना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है हम लोग यूनिट डिजिट पे भी काम करेंगे, यूनिट डिजिट पे हमारा कुछ आसान हो रहा है कि नहीं ये भी देखेंगे। 1.5 जब रखेंगे हम लोग तो 1.5 ये ए है ये बी है। ठीक है, 1.5 गुना 2 3 हो जाएगा, 18 3 कितना 21, 15 3 कितना 18। ठीक है, और माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस जब करेंगे 270 में माइनस कर देंगे, ये होता है 378, 270 में जब माइनस कर दिया तो 378 और 270 यहां से चला गया 78 और 30, यानी कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया हमारा, बी और ए क्या हो रहा है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब तुम थोड़ा ऑप्शन में देखोगे तो ऑनली ए बी का एक ऑप्शन है, लेकिन तुम सी और डी में चेक कर लो, डी थोड़ा 2.5 हो सकता है तुम्हारे लिए डेंजरस हो, सी बी चेक कर लोगे तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा। सी ही रख के देखो, सी तुम्हारा क्या है 2 है और यहाँ 150 है, थोड़ा यूनिट डिजिट भी हम लोग ध्यान में देंगे। दो जब रखोगे तो 2 × 4 = 18, 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 22 हो जाएगा, 2 × 4 = 15, 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, माइनस कर दो 270, 9 × 18 तो चला जाएगा, तो तुम्हारा डेफिनेटली यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 8 आने वाला है, लेकिन वहां के यूनिट डिजिट पे तुम्हें क्या दिख रहा है 150 दिख रहा है, क्या जरूरत है हमें आगे करने को, हमें सब सब पता चल गया कि सी कभी नहीं होने वाला है, ए बी ही हो रहा है हमारा, ए बी का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सवाल। ठीक है, तुम लिख करते हैं सवाल समझ में आया होगा, अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल तो क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है मिस्टर झुंझुनवाला इन्वेस्टेड 15,000 एंड 20,000 एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मिस्टर झुंझुनवाला जो इन्वेस्ट किए 15,000 इन्वेस्ट किए और यहां पे इधर जो इन्वेस्ट किए वो 20,000 इन्वेस्ट। ठीक है, एट द रेट ऑफ एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 7, इधर जो इन्वेस्ट किए एक्स प्लस 3 रेट पे किए, इधर इन्वेस्ट किए एक्स प्लस 7 पे इन्वेस्ट किए। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ एक्स प्लस 2, इधर इन्वेस्ट किए एक्स प्लस 2 इयर्स के लिए, इधर इन्वेस्ट किए एक्स प्लस 3 इयर्स के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, स्कीम ए एंड बी, ये स्कीम ए है हमारा, ये स्कीम क्या है बी है हमारा। ठीक है, इंटरेस्ट जो अर्न होगा बटे में क्या होगा 100 पे लेके अर्न होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल में मिस्टर झुंझुनवाला, ऑन स्कीम ए इज 1/3 ऑफ द इंटरेस्ट अर्न ऑन स्कीम बी, 1/3 है स्कीम बी का, यानी कि बी का जब 1/3 है, ए जो है अगर बी का 1/3 है तो बी बराबर में हम लोग क्या बोलेंगे 3 है बोलेंगे, तो हम लोग यहां से क्या कर देते हैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं बराबर 0x + 3 खत्म, 3 0 यहां से भी खत्म, 5 × 3 = 5 से 4 बार। ठीक है, यानी यहां से क्या निकल के आ गया 9 × x + 2 और यहां से क्या निकल के आ गया 4 × x + 7। ठीक है, ये इतना डेटा तुम्हें निकल के आ गया। अब आगे देखो आगे क्या दे रखा है तुम्हें सवाल में, अगला बोल रहा है तुम्हें कि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करो, एक्स का वैल्यू 2 रखा है। ठीक है, 2 × 2 तुम यहाँ पे क्या रखोगे 4, 9 × 4 = 36, 7 × 2 = 9, 9 × 4 = 36, ये 36 बराबर हो गया, ए सेटिस्फाई कर गया। अब ए को छोड़ के कौन कौन सा ऑप्शन है, सबसे पहले ये देखो, ए को छोड़ के ऑप्शन जो है वो है तुम्हारा बी है, सी है और ई, ई तो हो ही सकता है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ए तो सेटिस्फाई कर गया हमारा, तो ये फॉल्स में जाएगा नहीं, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास बी और सी है। ठीक है, तुम क्या करो बी और सी में देखो कॉमन सा टर्म कौन सा है, एक डी है। ठीक है, डी को अगर सेटिस्फाई होगा हमारा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सी, अगर डी भी सेटिस्फाई नहीं होते क्या हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा, तो क्या ही जरूरत है हमारा सी को चेक, बी और सी को चेक करने का, डायरेक्ट डी को चेक करो। ठीक है, डी है तुम्हारा 3, एक्स बराबर में 3, 3 × 5 = 9 को चेक कितना हो जाएगा 45, 3 × 7 = 10 बराबर में कितना हो जाएगा 40, जो कि बराबर नहीं हो रहा है, डी भी काम नहीं कर रहा है, जब डी काम नहीं करेगा ऑटोमेटिकली ये दोनों काम नहीं करेगा, आंसर क्या हो जाएगा बी सी डी वाला, जहां भी दिख रहा है तुम्हें बी सी डी वहां पर तुम क्या करो बी सी डी को रख दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सवाल था। ठीक है, अगर तुम सॉल्व करोगे तो बड़ा ही आसान लगेगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल है,
अगला क्या बोल रहा है लोगों को, 14 नंबर सवाल, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ एबीसी इज कितना 58, एबीसी का प्रेजेंट एवरेज एज जो है वो कितना है हमारा 58 है, एवरेज 58 है, सम क्या हो जाएगा 58 गुने 3 यानी 150 और 24 कितना हो गया 174, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज कितना है 67 है, तो 67 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 134, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ, यहां से देखो क्या हमारा निकलेगा, सी आसानी से निकल जाएगा, 174 में 34 घटा तो कितना आ जाएगा 40, सी कितना निकल गया हमारा 48 निकल गया। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है तुम्हें, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज डैश परसेंट मोर देन सी, सी से कुछ परसेंट अधिक है, तो 100 प्लस एक्स मान लिया, पहला ब्लैंक कितना निकल गया, पहला ब्लैंक को क्या माने हम लोग, एक्स माने हैं, ठीक है। सेकंड ब्लैंक को देखते हैं हम लोगों को क्या बोल रहा है, तो ये जो है हमारा से है इतना परसेंट अधिक है, किसके एज से इतना परसेंट अधिक है, बी का एज दे रहा है, तो बी का एज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 134 माइनस में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, मतलब बी का एज जो है सी से कुछ परसेंटेज हमारा अधिक है। बोल रहा है दैट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, सेकंड ब्लॉक हमारा किसको बता रहा है, ए को बता रहा है, ए के उम्र के बता, ए के उम्र को बता रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो तुम्हारा जो है पहला ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन जो तुम्हें निकल के दिया वो 75 निकल के दिया है, ठीक है, 75 और यहां से क्या दिया है 64 दिया है, ठीक है। 64 जब यहां तुम घटाओगे 134 में 64 चला जाएगा, तो ये तुम्हें देगा 70 इज इक्वल टू सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, सी की वैल्यू थी 40, ठीक है, इसको 40 कर दो, 40 गुने में 175 बटे में क्या 100, ठीक है, 25 से काट दो इसे 7 बार में, सॉरी 25 से 7 बार में, 25 से इसे काट दो तुम 4 बार में, 4 से काट दो इसे 10 बार में, 10 गुने 7 70, पहला इक्वेशन जो है वो क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। पहला जब सेटिस्फाई कर गया तो तुम दूसरा में आ जाओ, दूसरा जब तुम देखोगे तो दूसरा तुम्हारा क्या है 65 है और क्या है 68 है, ठीक है, दूसरा चेक कर लो, दूसरा जब चेक करोगे तो 134 में 68 घटा दो, 134 में जब तुम 68 घटा दो और इधर तुम क्या कर दोगे यहाँ पे 40 गुने में 165 बटे में क्या कर दो 100 कर दो, तो 20 से काट दो 2 बार में, 20 से काट दो यहाँ पे तुम 5 बार में, 5 से काट दो इसे तुम 33 बार में, इधर कितना निकल के आ गया 66, इधर भी घटा दो 4 में 8 गया 6, 12 में 6 गया 6, 66 इक्वल टू 66, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो सिर्फ सी के लिए, सी के लिए तुम्हारा क्या दिया हुआ है 60 एंड 70 दिए हुए है, ठीक है, 60 एंड 70, यहां जब तुम 60 घटाओगे, सॉरी यहां जब तुम 70 घटाओगे तो 134 में तुमने क्या घटाया 70 घटाया और इज इक्वल टू 40 में तुम क्या लिखोगे 160 बटे में क्या लिखोगे 100, 000 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 64, 34 और 30 यहां से भी 64 हो गया, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि तुम्हारा क्या है तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा ऑल ए बी सी जहां लिखे वहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ए वेसल कंटेन 480 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3, ठीक है, एक वेसल में 480 लीटर वाटर है जो कि किस रेशियो में है 5:3 कितना में है 3 में, ठीक है, 5:3 मिल्क है 5 में वाटर है इतना, 5:3 8, 8 के मान 48 480 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, 60 गुने 5 करेंगे तो 300, 60 गुने 3 करेंगे तो 180, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है डैश लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, पहला ब्लैंक जो है उसको हम लोग मान लेते हैं ए, ए लीटर जो बाहर निकला वो किस रेशो में निकलेगा 5:3 में, यानी मिल्क जो निकलेगा 5A/8 निकलेगा, वाटर जो निकलेगा 3A/8 निकलेगा, ठीक है, इतना लीटर टेकन आउट एंड डैश लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, सेकेंड जो है हम लोग बोल देते हैं वाई लीटर वाटर जो है वो क्या करा गया एड करा गया, ठीक है, एड जब करा गया हम लोगों को तो अब क्या बोल रहा है सच दैट द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द वेसल बिकम 1:1, रिस्पेक्टिव रेशियो जो है मिल्क से वाटर का वो क्या बन गया तुम्हारा 1:1 में बन गया, 1:1 का मतलब क्या है 1:1 में, अब जो इस 1:1 को समझ जाएगा उसके लिए इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, 1:1 का मतलब क्या है जितनी क्वांटिटी मिल्क की उतनी ही क्वांटिटी क्या वाटर की, मतलब दोनों की क्वांटिटी क्या बन जाती है बराबर हो जाती है, तो बराबर कर दो यहाँ पे 300 में तुमने क्या किया 5A/8 को निकाल लिया, ठीक है, वाटर में तुमने क्या किया 3A/8 निकाला, तो लेकिन यहां पे इसमें तुमने क्या ऐड कर दिया वाई लीटर ऐड कर दिया, दोनों क्या हो गया बराबर, 300 में 180 चला गया कितना बचेगा 120,
और ये 5y को इधर उधर भेज दो, ठीक है, माइनस है उधर जाके प्लस होगा, क्या देगा 2ay में 8, जिसको 4 कर दो और प्लस में क्या कर दो y कर, ठीक है। फाइनल हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आ गया। हम लोग ऑप्शन वाइज चेक करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन जो है हमारा इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 40 है और 110 है, ठीक है। 40 में चेक करते हैं, 120 तो इधर फिक्स है हमारा, ए बाई में कितना, ए कितना है हमारा 40 बाई में 4 प्लस में 110, 4 से काट देंगे 10 बार में, 110 और 10 क्या हो जाएगा 120, ये हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। सेकंड में आते हैं, सेकंड हम लोग का क्या देखो 80 और 100 है, ठीक है। तो 80 और 100 में आते हैं हम लोग, यहाँ 120 है, इधर जब करोगे 80 बाई में 4 तो 20 देगा और यहाँ पे 100 देगा, ये भी तुम्हारा 120 के बराबर है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया सेटिस्फाई करा गया। सी में चेक करो, सी में तुम्हारा क्या दर्ज है, सी में बोल रहा है तुमको 120 और 80, ठीक है। तो सवाल तो ऐसे ही 120 और 80 खत्म हो गया, 120 बराबर में जब तुम करोगे 120 बाई में कितना 4, ठीक है, प्लस में ये 80 कर दो, 4 से काट दो इसे तुम 30 बार में, 80 30 कितना हो गया 110 हो गया, क्या यहाँ पे ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा खत्म हो गया। कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है उसका ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये 15 सवाल जो है आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे के सवालों को देखेंगे, 16 से लेके हम लोग कहां तक देखेंगे आगे 35 तक के सवाल को देखेंगे, 20 क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में पार्ट टू में, जो कि जो एसबीआई मेंस सीरीज का दूसरा पार्ट है उसमें, ठीक है, 16 से लेके हमारा 20। थैंक यू।